ਇੱਕ ਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੋਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਸੇ। ਦੇਖ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਆਪਨੇ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰ। हाँ जी जी, ये ऐसे जाएगा जी, अब उसका मुंह हाईवे पे उस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। वो देखिए जी, अभी भी लीक हो रहा है, इसीलिए जी उन्होंने टो करवाया कंपनी वालों ने कि आप ड्राइव ना करें, ये इसका इंजन वगैरह ना सीज हो जाए। लो जी, अब ये भाई है, इसको देखेंगे और बताएंगे कि क्या सीन है। आओ चेक कर रहा है रेडिएटर का तो सारा। ट्रक इंस्पेक्शन हो रही है कि क्या क्या चीज़ डैमेज हुई है और सारा कुछ, तो वो यही कह रहे हैं कि कलकत्ता काफ़ी बड़ा था हीरा जिसने इतना कुछ डैमेज किया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं हूं कामरान and Saira. Welcome to our YouTube channel, Mr. and Mrs. John. ट्रका वालों की हाल देखिए, साडा हाल तो तुझे देख ही लेता है। हां जी, हम लोग मॉर्निंग पता नहीं गुड है कि बैड है, लेकिन चले मॉर्निंग मॉर्निंग है। शुक्र है कि हम लोग सेफ हैं इस टाइम। और ट्रक का आपको पता, आपने देखा वीडियो में जो नुकसान हुआ, और जो लास्ट नाइट हमने जो है एक फियर से गुजरे और एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि कभी इस तरह हुआ नहीं, तो फर्स्ट टाइम था। हम दोनों शॉक थे और टेंशन से, सही बताएं सोए भी नहीं, नींद नहीं आई, बस माइंड में वही बातें चलती रही और सारा कुछ। और आपके कमेंट्स का शुक्रिया जी, आपके दुआओं का शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारी ट्रकर फैमिली के लिए जी, जो आप हमारे लिए आपका जो कंसर्न है, थैंक यू सो मच जी। दुआओं में याद रखते हैं, प्यार करते हैं, तो इसी तरह अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। फ्रेश हो गए हैं और जी, जो कल आपने देखा, जैसे मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि जी आपको कल आज के ब्लॉग में इस सारे हादसे की फुटेज दिखाएंगे जी, तो मेरे पास तो फुटेज आ गई है। तो आप सबसे पहले मैं आपको ट्रक की हालत दिखाता हूँ। ये देखे जी, ये कमेंट के बाल देखे, ये हिरण के बाल है नहीं, ये मिडल में हिट की है जी, और वो अंदर ही फंस गई है ये। हाँ, वो इतना बड़ा तो था यार। अभी हम अपना नाश्ता करेंगे, और जब तक हम नाश्ता करते हैं जी, तब तक आप जी कल वाले हादसे की ये फुटेज देख लें जो हमारे डैश कैम ने कैप्चर की है। ये देखिए जी आप, इसके साथ हम बता दें कि हम इसको अब ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सारे कूलेंट वगैरह काफी ऑयल्स वगैरह लीक हो चुके हैं, ऊपर से जो है हुड जो है वो ओपन ही नहीं हुआ। हाँ जी, तो अब हम यही भी वेट कर रहे हैं, खाना हमारे पास चीजें इतनी ज्यादा पड़ी हैं, अब हमें टेंशन है कि इन चीजों को हमने पता नहीं क्या कैसे मैनेज करना है सारा कुछ। तो पहले आप ये फुटेज देखिए, बाकी बात बाद में करते हैं। हाँ जी जी, देख लीजिए फुटेज, वो एकदम पता नहीं कितों आया यार, मुझे लगता है सड़क के बीच ही पैदा हुआ है। वो मेरे रात में अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, साइडों पे तो नजर आ ही नहीं रहा होता, सिर्फ आपको जस्ट और जस्ट रोड नजर आ रहा होता है। मेरा बॉस भी कह रहा है तू कहाँ से आ गया एकदम से। तो ऐसे ही जो सामने जितना आपको वीडियो में दिखाई दी इतना ही दिख गया, वो कुछ सेकंड्स की बात थी। तो ट्रक को हमने पहले ही बताया कि ट्रक्स पे आप इतनी जल्दी ब्रेक्स जो है वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है, अगर आप करते भी तो उसको एक दो सेकंड लगता है अप्लाई। वो नजर ही दो तीन सेकंड पहले आया, जैसे की वीडियो में देख रहे हैं, वो एकदम से बस आया, वो पीछे से भी नहीं पता चला कि वो कहाँ झाड़ियों से आया कि नहीं आया, वो भी नहीं पता, बस मिडल ऑफ द रोड वो एकदम से अपेयर हुआ है और हिट कर गया। तो जी देख लीजिए आपने फुटेज, और जैसे बताया कि भी ट्रक अब हिल नहीं सकता, तो इसको चलाना मींस के कोई मेजर और नुकसान हो सकता है। तो कंपनी वालों ने भी बताया कि यहाँ पे वर्कशॉप नहीं है, जिस ट्रक स्टॉप पे खड़े हैं यहाँ पे वो है ही नहीं, यूजुअली होते हैं इनका सर्विस सेंटर होता है, रिपेयर सेंटर यहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि ये एरिया ऐसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही ट्रक स्टॉप है, इसके बाद आना भी कोई नहीं था। हाँ, तकरीबन 100 माइल तक कुछ भी नहीं है, डेनवर के पास आना था। तो हम डेनवर सिटी से 100 माइल पीछे हैं इस वक्त। तो जी कंपनी ने कहा कि जी उन्होंने टो ट्रक के लिए कॉल की है, तो वो भी आएंगे इस ट्रक को टो करके 10 माइल पे एक वर्कशॉप है वहाँ पे लेके जाएंगे, फिर वो बताएंगे जी। तो जी तुझे साढ़े नाल ही हो, कितना टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं, कितने आवर्स लगते हैं, और कितने पैसे बनते हैं इसके फिक्स के लिए, और क्या क्या नुकसान हुआ है, ये भी वो ही बताएंगे। अब हमारे पास इतनी चीजें हैं कि मतलब कि हमारे कपड़े भी हैं, खाने पीने का सामान है, तो उस ट्रक को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, इसको ऐसे लेके भी नहीं जा सकते। हाँ जी जी। तो ये एक बड़ी टेंशन वाली बात हमारे लिए बनी है। तो चलो कामरान, जो होना सी वो तो हो गया, तो सारी टेंशन जी तो ये सारे नाल ही हो जी, ਤਾਨੂੰ ਇਚੀ ਬਿਚੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਵਾਕੀ
मतलब कि पता नहीं खुदा की तरफ से ये था कि आप ही ड्राइव कर रहे थे, अगर मैं ड्राइव कर रही थी तो शायद मैं इतनी स्ट्रांगली स्टीयरिंग को ना होल्ड कर पाती। जब देख लिया तो मैंने बस उठ के मैं पढ़ लेता, मैं क्या स्टीयरिंग नहीं छोड़ना। अगर स्टीयरिंग ऐसे हो जाए बाज के आपका स्टीयरिंग घूम जाए, झटका उसने फुल दिया ऐसे ट्रक को, सारा फौरन उठ के आ गया। क्यों गया, क्यों गया? आपको क्या फील हुआ था? काम में मुझे ऐसे लगा था करके किसी चीज में लगा, थप करके आवाज आई है। आप सोचे गाड़ी शाड़ी में? मैंने कहा कि गाड़ी में कामरा ने ठोक, मैं कहा हो नहीं सकता ऐसे, मतलब कि मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैंने साउंड जब सुना कि वो लगा और एकदम झटका मुझे लगा, मैं तो आपको पता है वैसे ही थोड़ी सी ब्रेक भी लगे तो मैं पूछ लेती हूँ। तो मैं एकदम उठ के मैं बैठी हूँ, तो मैंने थोड़ा सा एकदम होश पकड़ी, मैंने कहा फिर मैं आपके पास आई, मैंने पर्दा पीछे करके देख लिया, मैंने कहा नहीं एक्चुअली जो बंदा पीछे सो रहा था उसका ध्यान ना नींद में भी, फुल नींद में भी कहीं ना कहीं आगे होता कोई हार्श ब्रेक लग जाए तभी हूँ। क्यों है, क्यों है, क्यों है? तो मैं इमेजिन कर रही थी कि शुक्र है कि मैं ड्राइव नहीं थी कर रही, अगर मैं, क्योंकि मैं इतनी मे बी उस स्ट्रांगली स्टेयरिंग को नहीं पकड़ सकती थी जितना वो हैवी और जितना प्रेशर से लगा है वो, मेरा वो हाथ घूम जाता या कुछ और किसी बड़े नुकसान से हम बचे हैं। इस फुटेज में इतना इम्पैक्ट फील नहीं हुआ क्योंकि वो डैश कैम है, वो फिक्स्ड है, मगर जो पूरा ट्रक हिला है ना वो हमें पता जी। ये थी जी अभी तक की मिस्टर एंड मिसेस जॉन की स्टोरी। हाँ जी, तो अभी हम वेट कर रहे हैं टो ट्रक का, जैसे वो आता है तब तक हम नाश्ता कर ले, थोड़ा सा अपना देसी खाना जो वो खत्म कर ले। वैसे नाश्ते में हम चावल नहीं खाते, मैं स्पेशली बिरयानी अड़ी है दो तीन दिन तो ऐसे आज खा ले। कि हम दोपहर में ना रुक के तो फिर खाएंगे, तो अभी अगर ना खाई तो वो खराब हो जाएगा खाना, क्योंकि ट्रक बंद रहेगा तो चीजें खराब हो। 12 बज गए, चलो दोपहर होगी तो चले जी नाश्ता करते हैं। ओके जी, ये है हमारा नाश्ता, मजेदार बिरयानी और ये हमारे पास कढ़ाई का कुछ सालन बचा है और ये है जी रायता। दुनिया के धंधे तो चलते रहने जी, रोटी दिखाइए, रोटी दिखाइए, टेंशन परेशानियां सारे मामला साथ साथ चलता रहना। खाने के साथ क्या नाराज हमने, नहीं नाराज नहीं, पहले भी दो दिन हमने सही खाना नहीं खाया था, खाया तो टेंशन जी आने जी आ गई है, रोटी दिखाइए। चले जी मिलते हैं आपको खाने के बाद। लो जी खाना भी स्टार्ट करने लगे, कामरा ने भी नवाला भी नहीं लिया, वो देखिए टो ट्रक तो ले जी टो ट्रक आ गया हमारा। मैं उसको कहूं जरा खाना उसको खा, कहते 10 मिनट दे दे तेरी मेहरबानी, रोटी खा लेंगे। ले जी ये है, वो कह रहे इसका मुंह इस तरफ लगा दो तो आप खाना खाते रहो, तब तक मैं इसको बस बैठ भी सकते हम दोनों बैठ जगह। जी देख ले जी आपने कैसे होता हुक्म, वो देखे जी खा रहा है। हाँ जी जी ये ऐसे जाएगा जी, अब उसका मुंह हाईवे पे उस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा, उधर लगेगा कोई आ रहा है, उधर लगेगा कोई जा रहा है। ये देखे जी आज आपने ये भी देख लिया जी कि सेमी ट्रक टो कैसे होता है जी। डू यू गेट टू अ लॉट ऑफ ट्रक्स? डू आई? या हिट माय सेकंड दिस मॉर्निंग, हिट बाय डियर? आई हियर या लॉट ऑफ देम। वो देखे जी अभी भी लीक हो रहा है, इसीलिए जी उन्होंने टो करवाया कंपनी वालों ने कि आप ड्राइव ना करें, ये इसका इंजन वगैरह ना सीज हो जाए। अब वो स्टीयरिंग को भी बेल्ट लगा रहा है ताकि स्टीयरिंग स्ट्रेट रहे लाइक दिस। मैं चीजें ऐसे रख रही थी पानी वाली बॉटल्स मैंने कहा गिरे ना ना, तो ड्राइवर भी से आई गई हाय। डर गए थे सी जी, बड़ी जल्दी जल्दी में हमने खाया शूटन वाला ऐसे 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 बस चीजें भी मैं जल्दी से स्ट्रेट फॉर यू। ओके जी हम चल पड़े जी बैकवर्ड। ये लेके जी हमारा मुंह इधर है और जा हम आगे को रहे जी, चले जी आपको मिलते हैं वहाँ पे पहुँच के, और वो देखते जी वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। ये ले जी बाय बाय जी ट्रक स्टॉप। उल्टा ट्रक चलते देखा जी कभी आपने? उल्टे ट्रक में जी दही खाते हो बेच। आज पहली दफा जी चलते ट्रक में जी, हम मियां बीवी दोनों पीछे बैठ के सफर कर रहे हैं। सफर ज्यादा लंबा नहीं, जस्ट 10 माइल्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ले जी हम पहुंच गए जी, अब यहां पे ये इसको अनहुक करेंगे और मेरे ख्याल से वो है शॉप, मैं अंदर जाके चेक इन करता हूं। चलें जी अंदर जाके चेक इन करते हैं और देखते हैं जी कहां पे वो कहते हैं इसको अंदर पार करना है या यहां कहीं खड़ा करना है। लेट्स सी। ओए कुत्ते के बच्चे इधर क्या कर रहा तू, चल भाग जा। ओए कुत्ते के बच्चे। लो जी अभी ये भैया इसको देखेंगे और बताएंगे कि क्या सीन है।
आओ चेक कर रहा है रेडिएटर का तो सारा but that's where your antifreeze is leaking from. Yeah, from and it can't be fixed because the bracket is bent in right there, so it's just basically crushed everything right there on that side. Yeah. So we can kind of take some pictures or something. सर ये देखो जी इतनी भी क्रैक आया वो उसका इम्पैक्ट पड़ा ना ऐसे लगा तो ये देखे जी यहाँ तक ये हो गया ये दिखाऊँ आपके एक और चीज़ ये मैंने देखे अभी कितने गया अभी ये सारा सही कहती है हिरन के बाल है एक जगह पे और लगे हुए थे ये देखे उसकी स्किन नहीं इसके अंदर घुस गई पूरी टीम बैठ के देख रही है जी ले जी ट्रक इंस्पेक्शन हो रही है कि क्या क्या चीज़ डैमेज हुई है और सारा कुछ तो तीन चार लोग आके उसको देख रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि कलकत्ता काफ़ी बड़ा था हिरन जिसने इतना कुछ डैमेज किया तो लेट्स सी देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें ये बताते हैं Two hours later. तो जी गाइस दो घंटे के वेट के बाद जी मेरे बॉस की और यहाँ के जो भी बंदा उसकी डिस्कशन हुई तो वो पार्ट्स वगैरह पे वर्कआउट कर रहे हैं तो मीनवाइल बॉस मेरे ने कहा बल्कि बॉस ने खुद ही होटल बुक करके दिया जी कि आप जाएं दो रातें वहाँ पे रहें तब तक मैं इधर फिगर आउट करता हूँ तो वो जी जैसे बताएंगे कंफर्म नहीं है कि ट्रक को कितना टाइम लगता है सेट होने में हाँ जी उसने वैसे कहा है कपल वीक्स हाँ जी तो लेट्स सी लेकिन वो कहता है कि मुझे कल का आप टाइम दे तो कुछ ऑर्डर वगैरह मैं सुबह उठ के करूँगा तो फिर उसके हिसाब से पता चलेगा तो पास ही में होटल है और हम थक बहुत गए हैं जी मेंटली भी और फिजिकली भी तो चलो जी बिस्तरा सी बन लिया था ना बोरी बिस्तरा पहले सारा खाना सारा मैंने फ्रिज में से निकाल लिया ये जो हमारा खाना पड़ा था वो सारा पकड़ लिया कुछ कपड़े वगैरह ले लिए कि ये हमें राइड दे रहे हैं वर्कशॉप वाले तो चले जी चले यहाँ से ले जी होटल में आ गए हैं काम बंद करवा रहे हैं चेक इन और नाइस है अच्छा है खूबसूरत है इसकी लॉबी में बैठे हुए हम अपना सामान रख के अच्छी बात है कि होटल देखे हाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगी चलो जी रूम देखते हैं रख कैसा चले जी चले रूम में कामन जी तुसी तो जी भी पानी बेचने वाले ओए जिम भी है अब जिम कर लेते हैं पहले चलो साडा डाटा जिम हो रहा है पिछले दो हफ्ते तो तेरा मतलब पानी भी चला लगा बोतल से ऐसे काम में पकड़ी है ये देखो अब रूम में फ्रिज हो सही है ना आजकल ये बड़ा मसला आ रहा है ना माइक्रोवेव रखते हैं और ना दो चार साल पहले जब रूम लेते थे दो जी ये भी कंपनी का खर्चा जी कंपनी पेड वेकेशन अपनी तरफ से अपनी तरफ से मिनी वेकेशन सो फार अवे टू नाइट्स के लिए वाओ 214 चल लिफ्ट के पास ही है चले जी वाओ वाओ शुक्र है रूम अच्छा है ओ ब्यूटीफुल जी कॉमन दो दो टीवी ये मेरी दुकान हाँ उन्होंने कहा अगर लड़ाई हो जाए तो एक ये वाला टीवी देखे और एक वो वाला टीवी देखे स्वीट है ले जी मैं टूर करवाता हूँ जी ये देखे दरवाजे पर्दे कर्टन करके ये देखे जी कामन जी दोनों बातें ही गलत होगी क्या दोनों बातें गलत होगी माइक्रोवेव भी है और फ्रिज भी है चलो अच्छी बात अच्छा है। किया था ले आए चीजें नहीं तो खराब हो जानी थी वॉशरूम कैसा है ओके नाइस हालत वेलो की होगी यार सोए नहीं जी हम नाइस ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन जबरदस्त चले जी मिलते हैं जी आपको जरा फ्रेश फ्रेश हो के ये देखें ये सही है सारा ये सारा सामान हमारा खराब हो जाना था जी अगर हम यहाँ पे ना लेके आते क्योंकि वो ट्रक बंद रहना था चले मिलते जी आपको फ्रेश होके इधर ही रहते हैं सर एसी लगा यार A few moments later. Hello, welcome back. लो जी नहा के तो दुनिया में आ गए यार ओए होए होए मैं ना इजी फील कर रहा ना लाइट फील कर रहा कुछ पूछो ही ना जी तुसी हां जी सर जी की खाओगे मैं तो आंखें बंद हो रही हैं मैं तो एक केक का पीस खा लिया मुझे तो अब भूख भी नहीं है मुझे बस नींद आ रही मेरी आंखें दर्द हो रही हैं एक तो सुबह बिरयानी खाने लग गए हां वो टेंशन नहीं जल्दी जल्दी में कर वैसे भी आज सारा दिन हमारा ऐसे बस रात से
और सारा दिन भी सारा टेंशन से गुजर गया बस स्ट्रेस में। तो भी ये चलो अच्छा एक तो बेड सुकून वाला मिला है, सोएंगे थोड़ा सा। तो जी ये एक है कि ये कमरा देख के ही आधे से ज्यादा हम फ्रेश हो गए। जितनी थकावट और एग्जॉस्ट थे और थके हुए थे क्योंकि सोए नहीं, मेंटली भी और फिजिकल भी सोए नहीं, क्योंकि मैं जब सुबह ये हादसा हुआ हिरन वाला उसके बाद तकरीबन मैं एक घंटा लेटा ही हूँ बस। तो जो चाल सो चाल चलता पे तो बस क्या करे जी, यही जी ट्रकां वालिया दी लाइफ ते बहरहाल बहरहाल जी हम कभी भी लो फील नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव। सुबह हम फिर आपको तरोताजा ऐसे मिलेंगे फ्रेश, ऐसे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि काम ऐसा है कि तुसी ये जरा जब दिल छट गए ना तो तुसी काम कर नहीं सकते। हाँ। क्योंकि जिड्डा मुश्किल काम है हार्ड वर्क है एंड ऐसे ताड़े को ओ करेज ओ हिम्मत 24 घंटे मुसलसल होनी चाहिए। हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं मगर कोई बात नहीं जी, चलता रहता है। तो जो हमारी कंपनी है बॉस है वो भी ऐसे ही हैं जी, बड़े पॉजिटिव हैं, कोई नहीं पूछा हमारा हाल चाल पूछा, तो आप लोग ठीक हो ना तो बस जाओ ट्रक दो जा किधर आप वहाँ पर स्टे करो, फिर एक दो दिन बाद देखते हैं क्या बनता है। तो चले ठीक है, अभी हमें नहीं पता हम एक दिन है, दो दिन है, तीन दिन है, चार है या हफ्ता है या चले जाएंगे, कुछ पता नहीं। नहीं यहाँ पे तो ज्यादा देर नहीं रहेंगे तो लेट्स सी क्या बनता है। ये ना कहते कि हाँ दो तीन दिन में हो जाएगा तो फिर हमें चांसेस हैं, चलो कोई बात नहीं, होटल में ही है पेट ये सारा कुछ सानू की चाहिए। और इसके बाद कही है कि पता नहीं कि क्या होता है क्या। सर एक चीज मुझे देख के बहुत गुस्सा आया वैसे, क्या ये बॉस ने बुक करके दिया ना रूम हमें होटल, ये देखो जरा ये देखे जी, गुड इवनिंग सायरा है अजाती नहीं जी, इतने कामरन जोन लिखे होने चाहिए सी, गुड इवनिंग सायरा लिखे है जी। कामरन को पता है उन्होंने सबसे पहले फोन करके क्या कहा, हाँ जी सायरा ठीक है, शी इज फाइन, कहा कि ऐसे मतलब कि ट्रक लगा तो वो सो रही थी तो क्या डरी तो नहीं, वो ठीक है। सायरा छूट के आई क्या 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 जी, वो इतने झटका इतना बुरा था, अब आप इमेजिन करो जो उसका ट्रक का हाल हुआ है वो कितने जोर से वर्कशॉप वाले तो वो हैरान हो रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो दिखाई तो लगा वो इतना मतलब इतने बुरे तरीके से उसने डैमेज किया। अब मजे की बात ये है कि वो मुझे ये अपना जो रिपेयर शॉप वाला है वो कह रहा था इस रोड के ऊपर हिरन होते ही नहीं। कामरन मैंने इतनी दफा ये रोड नाइट में की है, मैंने ना कोई साइन देखा कभी ना साइन ना ही कभी इस रोड पे मैंने हिरन देखा है, बस उन्दी आई सी दूर तक नजर ही नहीं आया, जब वो मुझे नजर आया 5 सेकंड का एकदम से नजर आया बस। चलो दौरान अगर मुझे कोई 1 माइल पहले नजर आ जाता तो शायद मैं कुछ कंट्रोल करता या उसको स्लो डाउन करता या कुछ राइट लेफ्ट करता। हम लोग जब रात में ड्राइव करें तो पता होता है कि भाई इतने फासले पे कुछ नहीं है स्पीड लिमिट के, ये नहीं कि हम ओवर स्पीड जा रहे हैं। जब हम लाइसेंस ले रहे थे तो उन्होंने बताया था ट्रेनिंग में बताया था कि अगर ऐसे आ जाए तो डा दो, ऐ नहीं कि तुसी 80,000 pounds का एक व्हीकल लेके जा रहे हो, इसको आप वो कहते हैं कि ये एक लीथल वेपन समझो, तो बजाय वो सामने आ जाए तो अगर बचा सकते हो स्लो डाउन कर सकते हो सेफली तो करो, नहीं तो चलो ठीक है अगर हो गया तो फिर हो गया। अब उस 75 माइल्स की स्पीड पे अगर आप जरा से थिड़क के दूसरी वो खेतान चले जाओ या खुदा ना खास्ता तो वो फिर ट्रक उलट जाए आपका हाथ ऐसे घूम जाए या कुछ साथ में कोई और गाड़ी या ट्रक गुजर रहा हो बड़ी बैड सिचुएशन हो सकती है। मैं तो जिन बना रहा मैं कौन जा रहा है, मैं कुट के हैंडल पढ़ लिया मैं चल भाई चले एनी हाउ जी कैसे ये थी जी आज सूरत हाल। और इस वक्त हम जी काफ़ी 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 रिलैक्स हैं और आपके कमेंट्स का आपकी दुआओं का आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के व्लॉग अब यहीं पे एंड करेंगे और आपको मिलेंगे जी कल नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ और नए एडवेंचर के साथ, देखते क्या क्या होता है। तो जी जाने से पहले क्या करना जी सायरा जी, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और ढेर सारा अपना प्यार। बाय बाय, अभी हम सिर्फ खाना खा के सोएंगे रेस्ट करेंगे, पता नहीं खाना खाते हैं कि नहीं, मैं तो लॉन्ग डे हो रही हूं। चले जी ओके बाय बाय।